कैसा लगता है यहाँ का भोजन आपको? यहाँ खाना खा करके दिल खुश हो जाता है, समझे? हाँ, हम कहीं भी रहते हैं ना, मुजफ्फरपुर आते हैं तो यही आ जाते हैं खाने के लिए। जब भी मुजफ्फरपुर में आते हैं आप यहाँ, मतलब कि भोजन करने जरूर आते हैं? यहाँ आ जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी खाना रहता है यहाँ का। अगर कस्टमर से आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यही कहेंगे कि आप लोग भी आइए यहीं पर, भोजन कीजिए, आकर के अच्छा भोजन मिलता है यहाँ पर। थैंक यू। नाम बता दीजिए थोड़ा अपना। विभा कुमारी। थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे भैया लोग हैं यहाँ पे भोजन करें। भैया से भी थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। भैया कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे भोजन करने? हम तो यहाँ लगभग 8-10 साल से आ रहे हैं। 8-10 साल से आ रहे हैं। तो यहाँ का भोजन का टेस्ट कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा। अदर कस्टमर से क्या कहना चाहेंगे भैया आप? अदर कस्टमर से यही कहना चाहेंगे यहाँ पर आइए, भोजन कीजिए, अच्छा व्यवस्था रहता है और स्वादिष्ट भोजन। अच्छा जी, तो किस जगह से आते हैं भैया आप? हम आए हैं मधुबन थाना मोतिहारी जिला से। मोतिहारी से जब भी मुजफ्फरपुर आते हैं यहाँ भोजन करने आप जरूर आते हैं? जी जी। अच्छा जी, तो खाने में कोई प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं होता है भैया? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितना खाते हैं उतना मतलब कि यहाँ पर खिलाया जाता है ना? अच्छा जी, तो देख सकते हैं यहाँ पे भैया को अनलिमिटेड खाना, आपको पहले ही पता है यहाँ पे आपको अनलिमिटेड जो है कि भोजन कराया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी और स्वागत है आप लोगों को राजू सोनी यूट्यूब चैनल पर। अभी आप लोग देख सकते हैं आपका भाई फिर से आ गया एक नई वीडियो लेकर। अभी आपका भाई जो है मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी जिला परिषद मार्केट में, और अभी हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से लेकर चलते हैं सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा में। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है से कि आपको 100 रुपये में मारवाड़ी थाली दिया जा रहा है, और थाली में जो है से कि आपको अनलिमिटेड भोजन कराया जाएगा। यहाँ के जो शॉप ओनर है या मैनेजर होंगे उनसे हम बात करेंगे और सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देंगे, बताएंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू पर रहिए। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। देखा जाए ऑनर या मैनेजर होंगे उनसे हम बात करने से पहले आप लोग को एक्यूरेट लोकेशन बताते हैं कि सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा में आप लोग किस प्रकार आएंगे, और अंदर चल के आप लोग को सारा सुविधा दिखाएंगे कि मतलब कि यहाँ के कस्टमर के लिए क्या सब सुविधा है। इनके शॉप तक आने में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैप लोकेशन होगा, मैप लोकेशन के माध्यम से भी आप लोग सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा में आ सकते हैं। तो चलिए बने रहिए, हम आप लोगों को पहले एक्यूरेट लोकेशन दिखाते हुए सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा तक लाते हैं। तो दोस्तों आप लोग किसी भी जगह से आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं बगल में जो है से कि आपको मुजफ्फरपुर जंक्शन पड़ेगा, वहाँ से आपको आना है इमली चट्टी। इमली चट्टी चौक पे आप लोग आएंगे तो देख सकते हैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, यहाँ से जो है से कि सरकारी बस स्टैंड है। देखिए यह हो गया आपको इमली चट्टी चौक, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, और अभी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लेकर चलते हैं सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा में। आप लोग देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। या देखिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और इस वीडियो को आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि और जो भी आदमी मुजफ्फरपुर आएंगे अगर शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद लेना चाहते हैं वो जो है से कि सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा में जाकर शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो बने रहिए, अभी हम आप लोगों को एक्यूरेट लोकेशन दिखाते हुए लेकर चलते हैं। थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको विशाल मेगा मार्ट दिखेंगे। देखिए विशाल मेगा मार्ट हो गया ये। इससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपको जो है से कि बस जिला परिषद मार्केट आपको यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इसके बगल से आपको जो है से कि रास्ता जाएगा सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा में जाने के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए तो बस हम लोग जो है से कि सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा के पास पहुँच गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देखिए सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा, एक वर्ष सेवा का मौका अवश्य दे, यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन का उत्तम प्रबंध है, जिला परिषद मार्केट जीवन छपरा मुजफ्फरपुर। आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, अपना नाम बता दीजिए। राहुल कुमार। अच्छा राहुल जी, किस नाम से मारवाड़ी भाषा? सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा के नाम से। अच्छा भैया, थोड़ा एक्यूरेट लोकेशन बता दीजिए किस जगह पे हुआ ये? जीवन छपरा जिला परिषद मार्केट में है, नियर इसके विशाल मेगा मार्ट है, कनिष्का होटल है, बसंत बिहार होटल है। अच्छा जी, तो भैया इसका टाइमिंग क्या है खोलने का? सुबह 9 बजे से रात्रि 10:30 बजे। अच्छा जी, तो अभी जो मारवाड़ी थाली का क्या प्राइस होने वाला है? 100 रुपये। अच्छा 100 रुपये, भैया क्या सब चीज़ देंगे आप?
घी लगा रोटी, चावल, दाल, दो तरह का सब्जी, भुजिया, पापड़, सलाद, अचार और कड़ी भरी होता है थाली। अच्छा, में रोटी कितने होते हैं भैया? कोई लिमिट नहीं होता है, अनलिमिटेड थाली। 100 रुपया है मतलब कि अनलिमिटेड कस्टमर जितना भी खा सकते हैं। एक थाली में एक लोग होते हैं। अच्छा, एक थाली में एक भी खा सकते हैं अनलिमिटेड। अच्छा जी, और ये दोपहर में क्या खिलाते हैं, शाम को क्या खिलाते हैं? मेनू सेम होता है, रात को खीर एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा, मेनू सेम होता है, रात को सिर्फ खीर एक्स्ट्रा हो जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं है? नहीं, कोई चार्ज नहीं। अच्छा जी, जैसे कि सुजीत अमरजीत मारवाड़ी बात है, 3 रोटी 4 बजे तक ही आपको यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे आपको जो है कि पैकिंग का भी सुविधा है। सर से बात करते हैं, तो और अगर कोई आदमी पैकिंग करवाना चाहे तो उनको क्या सुविधा है? पैक पॉलीथीन में 105 रुपये होता है, डब्बे में 120 रुपये होता है, पैक में लिमिट होता है। वो उन कस्टमर को खुद आकर यहाँ से लेना पड़ेगा? अच्छा जी, लेना है। तो आप लोग ऑर्डर करते हैं तो किस प्रकार ऑर्डर करेंगे सर? फोन नंबर से भी कर सकते हैं या फिर आके बता सकते भी हैं पैक से। अच्छा, कॉल करके आपको बता देंगे, पेमेंट ऑनलाइन कर देंगे, आप पैक करके रखेंगे, वो आकर यहाँ से मतलब कि ले आ सकते हैं। अच्छा जी, तो ये सुविधा हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोग कॉल कर देंगे, तब तक भैया जो है कि आपको रेडी करके रखेंगे भोजन। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सुजीत अमरजीत मारवाड़ी बाजार, 3 रोटी आपको 4 बजे तक ही मिलेंगे, पैकिंग थाली 105 रुपये में आपको जो है कि पैक करके थाली दिया जाएगा, वो पॉलीथीन में होगा 105 रुपये की, 120 रुपये में आपको जो है कि वो डब्बे में पैक करके दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग आते हैं तो आपको यहाँ पे बेसिन है, देखिए 3-3 बेसिन लगाया गया है। या देखिए यहाँ पे आप लोग जो है कि हैंड वाश दिया हुआ है, इससे आप अपने हैंड को वाश कर सकते हैं, बेसिन में हाथ धो सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे अगर फील्ड कोल्डिंग या पानी लेना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है से कि सुविधा दिया गया है, देख सकते हैं। देखिए कुछ कस्टमर भोजन कर रहे हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। तो सर सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा में कब से आ रहे हैं आप? हम तो आ रहे हैं 5-6 साल से। 5-6 साल से आ रहे हैं। अच्छा अंकल जी, किस जगह से आते हैं आप? तो बगल में कांटी जगह है। अच्छा, कांटी से आते हैं। तो सर यहाँ का भोजन करके कैसा लगता है आपको टेस्ट? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अदर कस्टमर से क्या कहना चाहेंगे अंकल जी यहाँ के बारे में? आते हैं यहीं आने के लिए। अच्छा जी, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्टी भोजन मिलता है आपको, अनलिमिटेड मिलता है अंकल जी, जितना खा सकते हैं। चलिए अंकल जी के साथ आंटी जी भी, इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, आप बता दीजिए कैसा लगता है यहाँ का भोजन आपको? यहाँ खाना खा करके दिल खुश हो जाता है, समझे? हाँ, हम कहीं भी रहते हैं ना, मुजफ्फरपुर आते हैं तो यही आ जाते हैं खाने के लिए। जब भी मुजफ्फरपुर में आते हैं आप यहाँ मतलब कि भोजन करने जरूर आते हैं? यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा टेस्टी खाना रहता है यहाँ का। अच्छा, किस जगह से आए आप? अभी तो जुरन छपरा से आए, मतलब ये अशोका हॉस्पिटल से। मतलब कि आप लोग साथ में ही है ना? हाँ, तो अदर कस्टमर से आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यही कहेंगे कि आप लोग भी आइए यहीं पर, भोजन कीजिए, आकर के अच्छा भोजन मिलता है यहाँ पर। थैंक यू। नाम बताइए थोड़ा अपना। विभा कुमारी। थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं काफी सारे भैया लोग हैं यहाँ पे भोजन करे, भैया से भी थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। भैया कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे भोजन करने? हम तो यहाँ लगभग 8-10 साल से आ रहे हैं। 8-10 साल से आ रहे हैं। तो यहाँ का भोजन का टेस्ट कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा। अदर कस्टमर से क्या कहना चाहेंगे भैया आप? अदर कस्टमर से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आइए, भोजन कीजिए, अच्छा व्यवस्था रहता है और स्वादिष्ट भोजन। अच्छा जी, तो किस जगह से आते हैं भैया आप? हम आए हैं मधुबन थाना मोतिहारी जिला से। मोतिहारी से जब भी मुजफ्फरपुर आते हैं यहाँ भोजन करने आप जरूर आते हैं? जी जी। अच्छा जी, तो खाने में कोई प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं होता है भैया? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितना खाते हैं उतना मतलब कि यहाँ पे खिलाया जाता है ना? अच्छा जी, तो देख सकते हैं यहाँ पे भैया को अनलिमिटेड खाना, आपको पहले ही पता, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड जो है कि भोजन कराया जाए। देखिए भैया भी खा रहे हैं। भैया कैसा लग रहा है थोड़ा बता दीजिए, टेस्ट कैसा लगे यहाँ का भोजन का? अच्छा। अच्छा है ना, तो आप लोग देख सकते हैं आपको जो है कि आपको 100 रुपया में अनलिमिटेड आपको भोजन कराया जा रहा है, आप जितना मतलब कि पेट भर के जितना खा सकते हैं। देख सकते हैं, देखिए कुछ अलग से आप लोगों का ऑर्डर करके बनवाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है कि मेन्यू दिया गया है। देखिए आप लोग यहाँ से बता सकते हैं, देखिए सबका प्राइस दिया गया है, सबका नाम लिखा गया है। देखिए और यहाँ पे आते हैं आपको, तो आपको जो है से कि काउंटर से पहले टोकन लेना पड़ेगा। आप टोकन लेकर ही मतलब कि आप अपने स्थान पे बैठेंगे, वहाँ पे बैठने के बाद आपको यहाँ वेटर हैं वो आपको जो है से कि भोजन निकाल कर देंगे। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं हम लोग किचन में आए हैं, और किचन में आप लोग देखिए कितना साफ़ सफाई से मतलब कि यहाँ पर काम किया जा रहा है। देखिए जो भी वर्कर लोग यहाँ पर भैया लोग काम कर रहे हैं, एकदम पूरा एकदम
साफ सफाई का पूरा सेफ्टी का ख्याल रखते हुए मतलब कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे थाली लगाया जा रहा है। थाली में हम आप लोगों को दिखाते हैं कि थाली में क्या सब लग रहा है। अंकल जी लगा रहे हैं। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी अपना नाम बता दीजिए। विनोद जी। अच्छा विनोद जी, थाली आप ही लगाते हैं यहाँ? हाँ हाँ। अच्छा जी, तो थाली में क्या सब चीज़ होता है थोड़ा बताइए। थाली में होता है सलाद, चटनी, कढ़ी बड़ी, कढ़ी बड़ी, दाल, दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़। आप लोग देख सकते हैं, देखिए अंकल जी यहाँ पे थाली लगा दी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भुजी है, सलाद है, कढ़ी बड़ी है, दाल है, दो प्रकार के सब्जी है। और अंकल जी इसमें क्या डलाएंगे? चावल रोटी ना। चावल घी लगा कर होगा ना? हाँ, चावल रोटी घी लगाकर, रोटी घी लगा कर दिया जाएगा। अच्छा जी, थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भैया लोग जो है ऐसे कि देखिए काम कर रहे हैं। बड़ा सा तावा लगा हुआ है, एकदम अनलिमिटेड रोटी बन रहा है। देखिए क्वांटिटी में यहाँ पे रोटी बनाया जा रहा है। और भैया देखिए यहाँ पे घी लगा रहे हैं रोटी। भैया देखिए गर्मा गर्म रोटी निकलते जा रहा है और भैया जो है ऐसे कि हर एक रोटी में घी लगा कर दे रहे हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मतलब कि काफ़ी एकदम अच्छा से थाली लगाया जा रहा, साफ़ सफाई पूरा एकदम पूरा ध्यान दिया गया साफ सफाई का। आप लोग भी आते हैं तो आपको जो है ऐसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैप लोकेशन है, मैप लोकेशन के माध्यम से भी आप लोग सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा में आकर शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अभी आप लोग देखिए आपका भाई जो है कि मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी जिला परिषद मार्केट में सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा में आकर दिखाए। आपको यहाँ पे जो है कि CCTV कैमरा लगाया गया हर जगह जगह पे। आपको जो है कि सेफ्टी का काफ़ी ख्याल रखा गया है कि यहाँ पे मतलब कि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ आपको जो है कि बता दें, यहाँ पे आपको 100 रुपया में अनलिमिटेड भोजन करवाया जा रहा, मारवाड़ी थाली लगाया जा रहा। यहाँ पे मतलब कि हर प्रकार के यहाँ पे भोजन रहेंगे थाली में, जैसे कि आप लोग वीडियो में देखे ही। और एक बात बता दें, सुबह का और रात का भोजन दोनों एक होगा। और रात में जो है कि आपको एक्स्ट्रा में खीर दिया जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, वो आपको उसी में मतलब इंक्लूड होगा। और आप लोग देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा काफ़ी प्यारा लगा हमें यहाँ पर आकर और देखकर आप लोगों को अपडेट देकर। इस वीडियो को आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी आदमी आएंगे मुजफ्फरपुर में वो यहाँ जो सुजीत अमरजीत मारवाड़ी भाषा में जो है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद ले सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग किस जगह से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट्स करके हमें बताइए, तो हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो किस किस जगह पर देखा जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। दीजिए अपने भाई को इजाज़त, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।